कास्ट एलिटी नहीं मिलने से 45,000 सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने ड्यूटी से निकाल दिया। ऐसे में उन्हें जीवन यापन करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन महाराष्ट्र ने पूरे राज्य में जगह जगह साकली उपोषण किया। आफ्रो द्वारा आज पूरे राज्य में आज साकली उपोषण किया गया, क्योंकि कास्ट एलिटी नहीं मिलने से 45,000 सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने ड्यूटी से निकाल दिया है, जिससे इन कर्मचारियों को जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए विविध मांगों के साथ साकली उपोषण किया गया। एक्चुअली मैं अप्रोह राज्य कार्यकारिणी की महिला अध्यक्ष हूँ, अनघा वैद्य, और हमारा ये जो संगठन है पूरे महाराष्ट्र में आज साखी उपोषण कर रहा है। हमारे जो जो मुद्दे हैं, जैसे कि जो GRA हाईकोर्ट का, उसमें 33 जमाती है ST में आने वाले, उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो इनवैलिड करा दिया जाता है, उसमें हमें अधिसंख्य पर डाला गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर्ड होने के बाद भी उनके जो ग्रेजुटी, उनकी जो पेंशन, प्रोविडेंट फंड, अब तक उनको मिला नहीं है। कोरोना की वजह से उनके परिवार की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत है, और गवर्नमेंट इसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमें कहा जाता है कि भुजबल समिति बिठाई गई है, उस पर जो भी निर्णय होगा वही हम लागू करेंगे, लेकिन भुजबल समिति हर बार अपना समय ले रही है, अब तक कुछ भी उन्होंने दिया नहीं है। तो इस वजह से हमारी ये संगठन पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर ये साखी उपोषण कर रही है। आज से स्टार्ट है तो कम से कम 5-6 दिन तक ये है। नियम बाह्य 7 मई को सरकार द्वारा दिया गया आदेश रद्द किया जाए, ऐसी कई मांगे सरकार से की गई। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा आफ्रो द्वारा दिया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।